नमस्कार, मैं मनीष जायसवाल और आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सिजीवाल। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं। मुद्दा यह है कि एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने एक छात्र से झाड़ू लगाया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था। का छात्रों से झाड़ू लगाना महंगा पड़ गया और एक पूरे प्रदेश भर में एक संदेश फैल गया और एक चर्चा का विषय हो गया है कि आखिर स्कूल में झाड़ू कौन लगाता है। प्रदेश के जितने भी स्वीपर हैं अभी हड़ताल पर चल रहे हैं, सफाई व्यवस्था वैसे ही चौपट हो रखी है। आइए जानते हैं इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर शिक्षक नेता सचिन त्रिपाठी का क्या कहना है। सचिन जी, पहले तो बताइए मुद्दा असल में है क्या। मुद्दा यह था कि एक प्रधान पाठक ने अपने विद्यालय को साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ रखने का एक प्रयास किया था। यह प्रयास प्रदेश के हर विद्यालय में वहाँ का संस्था प्रमुख, वहाँ के शिक्षक प्रतिदिन करते हैं और उसका यह प्रयास ही उस पर भारी पड़ गया। मतलब ये बात छुपी हुई नहीं है और सार्वजनिक है, जग जाहिर है कि जो स्कूली बच्चे रहते हैं वो अपने विद्यालय में साफ सफाई का काम करते हैं। कोई एक सबकी ड्यूटी बंधे रहती है। देखिए, संपूर्ण स्वच्छता अभियान हमारे पूरे भारत देश में चल रहा है। एक सामान्य सी बात यहाँ पर यह है कि हमें ये संदेश दिया जाता है, उसके साथ साथ हम शिक्षक अपने बच्चों को स्वच्छता अभियान के तहत ये सिखाते हैं, साथ साथ उसका पालन हम भी करते हैं कि गंदगी जहाँ पर भी हो आप इसका इंतज़ार न करें कि कोई दूसरा आपके साफ करे, आप स्वयं आगे बढ़े। यहाँ तक कि विद्यालय में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें दिखता है, जो हमारे बस में रहती है, शिक्षक भी स्वयं आगे बढ़कर करते हैं। इसके तमाम उदाहरण आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई, रंग रोगन, सारी चीज़ों में शिक्षकों का सहयोग रहता है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है विद्यालय की साफ़ सफाई। अगर हम गुरुकुल परंपरा की बात करें तो उस समय से लेकर आज तक चली आ रही इस व्यवस्था में छात्रों और शिक्षकों के सहयोग से यह सफाई अभियान संचालित होता रहा है और हो रहा है। आज के समय में भी विभिन्न स्कूलों में छात्र सहर्ष खुशी खुशी इस काम को करके अपने कक्ष सज्जा को बेहतरीन बनाते हैं। इससे उनके अंदर एक प्रतियोगी भावना भी विकसित होती है एक दूसरे कक्षा के अनुरूप में। साफ सफाई की तो बात ही कुछ और है, लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, इस चीज़ को गलत तरीके से ले जाना और शिक्षकों के प्रति विद्वेष का भाव कि यह छात्र छात्राओं से झाड़ू लगवा रहे हैं, काम करा रहे हैं और इसके बाद इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, सर्वथा अनुचित है। आप इसके पीछे छुपी मंशा को आप नहीं देख रहे हैं। यदि आपका बच्चा, किसी अधिकारी का बच्चा, किसी राजनेता का बच्चा अपने घर में काम करता है, घर में साफ सफाई करता है, तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। बच्चा जिम्मेदार हो रहा है, उसको साफ सफाई पसंद है, घर में गंदगी पसंद नहीं है। यही चीज़ें आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? ताकि वो जीवन के हर पहलू को समझ सके, सीख सके। शिक्षक जो है वह उसका हर प्रकार से सर्वथा उन्मुखीकरण करता है अपने बच्चे के लिए। वह उस बच्चे को किसी नौकर के तरीके से काम नहीं लेता है, वह अपने उस बच्चे को, अपने छात्रों को अपना खुद का बच्चा समझकर उनसे वह कार्य कराता है ताकि वह बच्चे कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें। एक सामान्य सा प्रश्न उठता है, यह बात मेरे विचार में आती है कि आप नियम बनाते हैं, नियम बनाकर उसमें पेच फंसाते हैं, उसके अंतर्गत कार्यवाही करते हैं, लेकिन जब आप समस्या पैदा करते हैं तो उसका समाधान भी आपको ढूंढना पड़ेगा, समाधान बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कार्यवाही करके अपने उत्तरदायित्व से आप जो है वो विमुख हो जाएं। आप नहीं भाग सकते, आप अधिकारी हैं तो आपने कार्यवाही की कि बच्चों से अगर किसी शिक्षक ने काम कराया सफाई का काम जो आपकी नज़र में या अन्य किसी की नज़र में यह एक गलत काम है, स्वच्छता अभियान ये गलत बात है, तो जिस स्थिति में आज के समय में आप देखें, आज बहुत सारे विद्यालयों में सफाई कर्मचारी नहीं है, स्वीपर की व्यवस्था नहीं है, बहुत विद्यालयों में स्वीपर छुट्टी पर भी रहते हैं। उस स्थिति में विद्यालय में प्रतिदिन गंदगी होती है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी होती ही है।
आप जांच अधिकारी बनकर आते हैं, आपका सबसे प्रथम उद्देश्य रहता है कि विद्यालय में स्वच्छता है कि नहीं, विद्यालय में गंदगी है, विद्यालय में गंदगी है तो आपके कोप का भाजन कौन बनता है, वह शिक्षक बनता है, वह संस्था प्रमुख बनता है। और उस स्थिति में अगर आप विद्यालय की साफ सफाई के लिए अपने उपस्थित छात्र छात्राओं की मदद से उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से कुछ विघ्न संतोषी लोग जो कि शिक्षकों से चिढ़े रहते हैं या शिक्षकों के पीछे पड़े रहते हैं, वो लोग इस प्रकार का वीडियो बना के वायरल करते हैं और आप अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए उनको सस्पेंड करते हैं, कार्यवाही करते हैं। तो यहाँ पर तो आपने कार्यवाही कर दिया, लेकिन आपने कोई उपाय बताया कि जिस स्थिति में सफाई कर्मचारी न हो, छात्र छात्राओं से काम न कराया जाए, उस स्थिति में विद्यालय की साफ सफाई कौन कैसे होगी, कौन करेगा? आप लिख दें, आप नियम बना दें कि जो शिक्षक आए हैं पढ़ाई के साथ साथ झाड़ू लगाने का भी काम करेंगे, शिक्षक आए हैं पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी गंदगी है सारी साफ करेंगे। आप एक नियम, एक सर्कुलर तो करें, आप बताएं तो कि किसे क्या करना। राष्ट्रीय सेवा योजना, NSS, स्काउट गाइड में ही बच्चे ऐसे काम करते ही होंगे। बिल्कुल, उनको हर एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उस दौरान उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, विषम परिस्थितियों में जीने की कला सिखाई जाती है, साफ सफाई, स्वच्छता, इन सारी चीज़ों में उनका योगदान रहता है। वहाँ पर अलग से स्वीपर की नियुक्ति नहीं होती, वहाँ पर अलग से किसी प्यून की नियुक्ति नहीं होती, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं जिससे वो जीवन में आगे बढ़े और आगे आने वाले कार्यक्षेत्र में ये सारी चीज़ें उनके काम में आए। लेकिन यहाँ पर अगर विद्यालय में यही चीज़ें होती हैं तो इसका स्वरूप बदलकर दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसमें शिक्षकों को दोषी बताया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षक उन बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं, जबकि वास्तव में इस बात को सभी अधिकारी भी जानते हैं, समस्त संस्था प्रमुख भी जानते हैं, क्योंकि जो अधिकारी आज विभिन्न पदों पर बैठे हैं वो भी कभी विद्यालय में पढ़े होंगे और उन्होंने भी कभी न कभी विद्यालय में झाड़ू साफ सफाई का कार्य जरूर किया होगा, आप वो इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। तो छात्र जो होता है किसी भी शिक्षक के लिए अपने पुत्र समान होता है, यह सर्वज्ञात है, एकाध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर एक शिक्षक अपने बच्चों से कोई सेवा कार्य करा रहा है या साफ सफाई करा रहा है तो इस पर जो कार्यवाही हुई वो अनुचित है, इसका विरोध अब हो चुका है। अब आगे आप सरकार से, शासन से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, लगातार शिक्षकों को गैर जिम्मेदाराना बताकर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा शासन से आग्रह है, आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, आप हमारे ऊपर जो दंडात्मक कार्यवाही का प्रतिशत है उसको कम करें। आप किसी कर्मचारी की पीठ थपथपा कर देखिए, उसके कार्य पर, उसका कार्य का आकलन करके देखिए, वो आपको और बेहतर देगा। लेकिन यहाँ पर दंडात्मक कार्यवाही, एक भय का वातावरण बनाकर, एक भय का माहौल बनाकर नाम कमाने की बात हो रही है या अपना रुतबा जमाने की बात हो रही है, ये सर्वथा अनुचित है, ये गलत है, इससे एक गलत संदेश शिक्षकों में जा रहा है और इसका प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। अब गंदगियाँ बढ़ेंगी स्कूलों में, बिल्कुल, ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या जवाब होगा? ना स्वीपर है, छात्रों से काम करा नहीं सकते, शिक्षक को झाड़ू आप उठाने नहीं देंगे, उस स्थिति में भी दिक्कत है, तो फिर गंदगी बढ़ेगी और उसका जिम्मेदार, जवाबदार अगर फिर आप ठीकरा शिक्षकों के ऊपर फोड़ेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। मतलब इस कदम से एक शिक्षक को सिर्फ सफाई, छात्रों से झाड़ू लगवाने के करने की वजह से अगर सस्पेंड कर दिया जा रहा, तो इससे संदेश अब ये जा रहा है कि स्कूल अब गंदे रहेंगे, जैसे वैसे रहेंगे, कौन अपनी नौकरी ज़बरदस्ती खतरे में डाले? देखिए, यही बात है कि आप हमको करने नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं तो कार्यवाही कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों का भी परिवार है, हमें भी अपना पेट पालना है, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, जैसी व्यवस्था आप चाहते हैं वैसी व्यवस्था फिर हम देंगे, हम अपने से नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप हमें उस दिशा में ढकेल रहे हैं तो हम क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। तो बड़ा एक गंभीर अभी सवाल भी उठ कर आया है कि आखिर स्कूलों की सफाई व्यवस्था कैसी होगी जब प्रदेश के सभी स्कूलों के लगभग स्वीपर हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। अब स्कूल की स्थितियां क्या, कौन अपने ऊपर
छात्रों से सफाई कराकर तलवार मोल लेना चाहेगा, क्योंकि मोबाइल तो हर जगह पर रिकॉर्ड कहीं पर भी हो सकता है, शिक्षक कहीं का भी सस्पेंड हो सकता है। शिक्षकों नेताओं का कहना है कि अब इस विषय पर स्पष्ट गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, ताकि ये भ्रम की स्थिति न बनी रहे कि शिक्षकों के ऊपर अगर ऐसी सफाई अगर करवाते हैं, छात्रों से कोई काम करवाते हैं, तो उन पर निलंबन की गाज न गिरे। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट कर अपने विचार ज़रूर लिखें कि ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा आज सचिन त्रिपाठी ने उठाया है, इस पर क्या होना चाहिए, शासन प्रशासन को इस पर क्या निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।